मुंबई जाने का प्लान क्यों किया था आपने हाँ, मुंबई जाने का मुझे ऐसा लगता था कि 2015 में, हाँ। दिल्ली में इतना मुझे लग रहा था कि एक या डेढ़ महीने बाद यहाँ पे कैनवस खुला है इन्होंने मुझे बॉम्बे से बुलाया था ओपनिंग के लिए उस शो में था के लिए वहां से बुलाया मैं लिटरली दो महीने पहले गुड़गांव की ओपनिंग के लिए सबसे पहला जो था

मतलब अगर आप वायरल वाले लोग भी नहीं हो ना तो भी लोग सिर्फ कॉमेडी देखने आते थे क्यों इतनी उस इत पीक लोकेशन है मतलब हाँ। वहाँ इस, अच्छा हाँ। लोड लोड हाँ। है मतलब का का एकदम साउथ बॉम्बे सबसे महंगे मॉल के टॉप फ्लोर पे, खोला हुआ तो आ, उसका जो ऑर्गेनिक फुटफॉल थे वो बहुत जबरदस्त है हाँ। तो उससे क्या होता है यहाँ पे ना अभी ज्यादातर लोग ना कहीं भी कॉमेडियन को देखने आते हैं राइट चाहे आप हूँ कोई भी है बिल्कुल कोई भी कमेडियन को देखने आते हैं कॉमेडी देखने नहीं आते

और दूसरा इसमें एक और चीज है जो उस टाइम पे कॉमेडी देखने आ रहा है वो कॉमेडी फैन था हा, हा, हा. आ, वो कॉमेडी फैन था क्योंकि उसने बहुत सारा कॉमेडी को एक्सप्लोर किया हुआ था इन जनरल इंटरनेशनल उसने रसल पीटर देखा हुआ उसने जॉर्ज कार्लिन जेरी साइड सब देखा हुआ था तभी वो आ रहा है अभी क्या है या तो दो जनता आ रही है या तो एक जनता आ रही है जो आर्टिस्ट को देखने आ रही है या जनता आ रही है कि यार यहाँ पे ना कुछ नया कुछ होता है हाँ, तो देख के आते है, क्या होता है वो जो हाँ, होता है ना कि कूल है ये कुछ देखने की चीज तो वो उसमें हो हो सकता है फैन हो, हाँ, पर चांस कि क्योंकि जितने भी ऑडियंस मान लो इन्हें पता है राइट

तो मुंबई में दो लोग है प्लीज तो वही कॉमेडी का सीन मुझे यहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा उस टाइम ग्रो हो रहा है और मुझे मुंबई बहुत पहले से जाना था अच्छा। कॉमेडी के पहले से एक अंदर से मैं जब जॉब जौप करता था तो हाँ। मुझे मुझे न्यूज चैनल में जॉब नहीं करनी थी मुझे एम में जॉब करनी थी तो मैं उस टाइम रघु राजीव एक बम्पी करके होता था बंदा जो एम टीवी पे रोडीज प्रोड्यूस करता था अच्छा तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं अच्छा मैंने मुंबई के बहुत धक्के खाए कॉमेडी से बहुत टाइम पहले ओ अच्छा। मतलब कॉमेडी कॉमेडी से कई साल पहले मैं बहुत जगह अपने सीवी देख के आया हूँ <laughs> अच्छा, यहाँ ये सब करके आया था और नहीं हुआ था नहीं 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 हुआ था नाइन एक्स एम करके जब हाँ। सब के ऑफिस घुमाऊं मैं समझ गया उसके दो करेक्टर आते थे हाँ 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 वो तो वो भी शायद बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे उनका ऐसा तो तो मैं था कि मैं इनके जोक लिख दूंगा मैं ये कर लूंगा अच्छा आ, एक तक तकबूर के ऑफिस में अपना सीवी पढ़वाने मतलब आपको चल थी कि मुझे मुझे मुंबई जाना है मुझे एंटरटेनमेंट मुझे, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनु <laughs> मलिक नहीं मिल पा रहा था <laughs> 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 वो भी मिल गया था हां शो किया ना बाद में एक वो एंड टीवी के लिए क्या था हमने कॉमेडी दंगल हां तो उसमें अनु मलिक भारती और वो

जॉब छोड़ी मैंने 2012 में छोड़ी भी क्या छुड़वाई गई किससे? मेरे को मेरी बॉस ने बोल दिया क्या कि कॉमेडी करनी है तो नौकरी दोनों में से की करेगा और पैसा पैसा क्या भाई पैसा तो पैसा कॉमेडी में आने लगा था मगर इतना थोड़ी आ रहा हूँ सैलरी से ज्यादा दो हजार बारह में हाँ सैलरी से ज्यादा ऐसे आ भी सकता है क्योंकि एक शो तो मैंने बारह में आपके साथ एच डी एफ सी बैंक के लिए गया था अल्लाह ले तो मैं भाई मैं दिन के तीन तीन चोटा लेता मैं मना ही नहीं करता था मुझे अगर कोई शो आ रहा है हाँ। तो मैं कर रहा हूँ <laughs> ना वो बंदा वापस जा रहा है अगर उसने फोन कर दिया तो वो शो मैं ही कर रहा हूँ अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। हमने तो हमने तीन शो थे हाँ। एक शो था हमारा सबसे पहला वसंत कुंज के मॉल में ठीक है ठीक है दूसरा शो था हमारा जीके के वन में ठीक है और तीसरा शो था हमारा डीएलएफ क्लब फाइव गुड़गांव में अच्छा बिल्कुल उल्टा ऐसे वसंत तो, कुंज मॉल हाँ, फिर जी के फिर गुड़गांव हाँ, फाइव तो तो वसंत कुछ में किसी मॉल की वो किसी उसकी शॉप की कुछ तो ओपनिंग थी कुछ तो मॉल के अंदर हाँ। जीके में जो था शो वो ऐसा था कि वो किसी वो ब्रांड का नहीं होता कि उसने आठ दस कॉमेडियन कर कर के कर, कर दिए हाँ, हाँ, हाँ। वो था और डीएलएफ वाला वो था जो मंथली शोज हम करते ही थे वो तो अभी जितने बोला कि कोई शो करते तीनों नहीं करते <laughs> मैंने बोला पागल तीनों करेंगे एक भी नहीं छोड़ रहा मैं हाँ, हाँ. बोले तीनों कैसे करेंगे कि हाँ. <laughs> तू साइड में बैठना सीट बेल्ट लगा के हाँ।, हाँ मैं होंडा सिटी होती थी उस टाइम मैं बोला तू बस साइड में बैठना हमने हाँ. <laughs> पहला शो किया वसंत को वो तो आराम से किया कर, करते भागे जीके हाँ. जीके वाला जो शो था उसमें शो होता ही नहीं था

हाँ, 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 हाँ आई आगे, हाँ, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और टी ओके डोंट सी <laughs> हाँ, तो, हाँ, हाँ। तो तो वहाँ पे गए यहाँ शो खत्म तब क्या साकेत गए भाग के साकेत में जा रही थी ऐसे माइक के ये ये चल चल भाग 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 फिर सीधा गुड़गांव और जाके फिर तीसरा शो गुड़गांव किया

मेरी जो लास्ट नौकरी थी उसमें मेरे बॉस ने इतना वो कर रखा था कि मेरे को ऐसा था। भाई नौकरी तो करनी नहीं जह रही है मुझे हाँ। वो उधर की कोई वीडियो नहीं चला जाए कुछ भी ऐसा होता है अगर मैं वो याद करता हूँ ना मैं भाई बहुत सही है सुबह चार बजे उठता था अच्छा पांच बजे की रिपोर्टिंग होती थी अच्छा फिर दिल्ली के ठंड में सुबह चार बजे नहा के आपको तो ठंड वैसे ही नहीं पसंद पसंद हाँ चार बजे नहा के जाता और मुझसे बिना नहाए दिन नहीं शुरू होता ओके तो सुबह चार बजे उठ के दिल्ली की ठंड में नहा के नहाँ बजे जीके वन में ऑफिस था वहाँ हाँ, हाँ. पहुंचो आराधना हाँ, अर्चना अर्चना छह बजे लाइव होता था पहला बुलेटिन जो भी होता है आपके आप प्रोड्यूसर थे हाँ प्रोड्यूसर था अच्छा तो मतलब अपने आप में अगर आपका बॉस बहुत अच्छा है ना वो काम अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल है उसके बाद आपका बॉस भी अगर हराम को निकल आए तो फिर खत्म ये समझ रहे हो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस प्लस ये तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड शो क्लिप्स